catch every release of Weekend Classic Radio Show. Channel subscribe karke bell icon press kariye and get notified. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप. मैं हूं रुचि आपके साथ और आज का ये एपिसोड हम उन्हें डेडिकेट करते हैं जो कि ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं आज तक हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं. एक सोशल एक्टिविस्ट हैं. इतनी अच्छी इंसान कि मैं मानती हूँ कि जिंदगी इनसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती है. बात कर रही हूँ मैं शबाना आज़मी जी के बारे में. इतने प्यारे गाने आज मैं चुन करके लेकर आई हूँ आपके लिए. तो आपको चलिए पहले गाना सुना देते हैं, उसके बाद इनकी जिंदगी की कहानी की शुरुआत करेंगे. पहला गाना है मासूम फिल्म से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी. सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो. झुकी सी नजर
पता। तू अपने दिल की जवान धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज शबाना आजमी जी को डेडिकेट करते हैं हम ये एपिसोड। शबाना आजमी जी की बात हो रही है तो जावेद अख्तर साहब की लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, तन्हाई हो, दिल हो, बूंदें हो, बरसात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो। जावेद अख्तर जी, जो कि पूरा प्यार जो है, सारी फीलिंग्स जो हैं, वो कुछ ही लाइनों में बयां कर देते हैं। क्या आपको पता है, रियल लाइफ में बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शबाना आजमी जी ने ऐसा खुद मुझे एक बार बताया था कि तुम सब लोग जो हो उनके गाने सुन सुन करके अपने प्यार का इजहार कर देते हो, लेकिन जावेद अख्तर जी ने मुझे कभी अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं था। इतना रूठ गई थी एक बार तो शबाना आजमी जी कि उन्होंने कह दिया था कि मुझसे बात मत करना। शबाना आजमी जी ने कहा कि इतने साल हो गए, ना मेरे बर्थडे पे, ना वैलेंटाइंस डे पे, ना कभी और किसी त्यौहार पे तुमने मुझे कुछ भी दिया है। जावेद अख्तर साहब को बहुत बुरा लग गया ये सुन करके कि मेरी बीवी, मेरी मोहतरमा ये सोचा करती हैं। जावेद अख्तर साहब ने कुछ ऐसा किया कि शबाना आजमी जी का दिल जीत लिया। ऐसा क्या किया बताऊंगी आपको बस कुछ ही देर के बाद। फिलहाल थोड़ा सा प्यार चाहिए था शबाना आजमी जी को, तो उसी के नाम लहू के दो रंग फिल्म से गाना।
चाहिए थोड़ा प्यार। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जाने मन गुल बदन मेरी बात मानिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। वाली मेरा वचन न जाए खाली, बच्चा लोग अरे बजाओ ताली। कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, छोकरी लो अरे बजाओ ताली। तुम इतना जो
मुस्कुरा रही हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रही हो। क्या हाल है क्या दिखा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। सुन रहे हैं आप वीकेंड क्लासिक रेडियो शो, मैं हूं रुचि आपके साथ।
कहानी की शुरुआत की थी मैंने शबाना आज़मी जी और जावेद अख्तर साहब की लव स्टोरी की शुरुआत की थी, जहां शबाना आज़मी जी रूठ गई थी क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने कभी बताया ही नहीं शबाना जी को कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, कभी जताया ही नहीं। जब जावेद साहब को पता चला कि उनकी बीवी इतना नाराज़ है उनसे, तो उन्होंने एक काम किया, गए और एक फूल की दुकान में जाकर के उसके पास जितने फूल थे, पूरी दुकान में जितने फूल थे, वो सब खरीद लिए और एक ट्रक टेम्पो में भर लिए और अपने घर वापस लेकर के गए। शबाना आज़मी जी को बाहर बुलाया और कहा कि वो सारे साल और वो सारे त्यौहार जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और तुम्हें वो मलाल रह गया, उन सब की भरपाई मैं आज एक साथ कर रहा हूँ। ये सारे के सारे फूल तुम्हारे लिए हैं, बस अब इसके बाद मत बोलना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शबाना आज़मी जी भी मुस्कुराई और उसके बाद उन्होंने जावेद अख्तर साहब से कुछ भी बोलना या मांगना बंद कर दिया। मैं कहती हूँ इन दोनों के प्यार के नाम कि दिल टूट जाता है पर खनक नहीं होती, हर धड़कन रोती है पर पलक नहीं रोती। मोहब्बत नाम है खुदा की बंदगी का, मोहब्बत नाम है खुदा की बंदगी का, जो शर्तों पे मिले वो मोहब्बत नहीं होती। सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, नीली नदी के परे,
आई होप आपको वीकेंड क्लासिक का ये एपिसोड पसंद आ रहा है. डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल. अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम हर एपिसोड को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे. ओ, ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे. अरे चल बैठे चर्च के पीछे. तो आज की सोचो. जाग गए तो जागने दो ना. अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठी चर्च के पीछे. ओ, ओ, चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के. दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं. चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं. ढूंढ न पाए कश्ती वाले साहिल से कह जाएं. बोल दिया तो बोलने दो ना. अच्छा हाँ, तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे. अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे. ओ, ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे. हो चल बैठे चर्च के पीछे. ओ, चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के. वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप. मैं हूँ रुचि आपके साथ. शबाना आजमी जी की जिंदगी के कुछ पहलू आपके सामने आज लेकर के आई हूँ मैं. आपको पता है, शबाना जी हमेशा सोचती थी कि उनकी लड़ाई, उनका झगड़ा जो है वो तो इस दुनिया के रीति रिवाजों के साथ में है, दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के साथ में है जिनके खिलाफ वो खड़े होना चाहती थी, तभी तो वो सोशल एक्टिविस्ट बनी. इसलिए उन्होंने हमेशा सोचा था कि ये बॉलीवुड के छोटे मोटे झगड़े जो हैं उसमें वो कभी नहीं पड़ेंगी, और ऐसा ही उन्होंने किया. लेकिन एक बार उनका झगड़ा हो गया था, और वो झगड़ा भी हुआ था राजेश खन्ना जी के साथ. हुआ कुछ यूँ था कि राजेश खन्ना जी ने एक पब्लिक न्यूज़पेपर में ये कह दिया था कि शबाना आज़मी जी के पास बॉलीवुड हीरोइन के लुक्स नहीं हैं. जिस पर शबाना आज़मी जी को बहुत बुरा लग गया था, इसलिए शबाना आज़मी जी ने कोल्ड वॉर ले लिया था राजेश खन्ना जी के साथ. दुश्मनी सी हो गई थी, बातचीत बंद, काम करना बंद. सीधा 1977 में जा करके एक फिल्म इन्होंने साथ में की थी जो कि चली नहीं, तो फिर बातचीत बंद, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद. और फिर आई थी मूवी थोड़ी सी बेवफाई, पहली सुपरहिट मूवी जो इन दोनों ने साथ में की थी. और उसके बाद जो दोस्ती शुरू हुई इन दोनों के बीच में, तो आज भी मिसालें दी जाती हैं शबाना आज़मी जी और राजेश खन्ना जी की दोस्ती को लेकर के. तो इतनी गहरी दोस्ती थी, तो चलिए एक गहरा गाना भी सुनाएंगे आपको थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से. लेकिन उसके पहले किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाना अवतार फिल्म से आपके लिए. दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम
हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते देखेंगे, देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। मत शर्माओ आ जाओ, मत शर्माओ आ जाओ मेरी बाहों में, देखो अपनी तस्वीर मेरी निगाहों में, क्या हुआ अगर कांटे हैं अपनी राहों में, अपनी राहों में, इन राहों में फूल बिखरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, सुख का साथी हाँ जी, हाँ जी तुम्हें बनाया है, दुख सुख का साथी हाँ जी तुम्हें बनाया है, हमने जीवन का सांझी हाँ जी तुम्हें बनाया है, इस पार से उस पार उतरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते, प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, देखेंगे, देखेंगे।
सपने सजाए हैं, आंखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। पलके उठा के आपने जादू जगाए हैं, हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग तराश कर दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आंखों में हम अपने सजाए हैं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। शबाना आजमी जी को डेडिकेट किया हुआ आज का हमारा ये एपिसोड। आई होप आपको गाने अच्छे लग रहे हैं। अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, वो मेरे लिए प्यार को डिफाइन करता है। क्या है प्यार? आपने कभी सोचा है क्या है प्यार? मैं सोचती हूँ अगर एक इंसान अकेले में बैठ करके मुस्कुरा सकता है तो वो प्यार में है। पुरानी 2 साल पुरानी तस्वीरें देख करके 2 आंसू बहा सकता है तो वो प्यार में है। भरी भीड़ में होने के बावजूद खुद को अकेला पा सकता है तो वो प्यार में है। कुछ लाइनें हैं मेरे पास जो कि आपको महसूस कराएंगे कि प्यार आखिर होता कैसा है। नजर मिले तो प्यार हो जाता है, पलकें उठें तो इंतजार हो जाता है,
मैं कहती हूँ नज़र मिले तो प्यार हो जाता है, पलके उठे तो इंतज़ार हो जाता है। न जाने क्या कशिश है इस चाहत में, न जाने क्या कशिश है इस चाहत में कि कोई अनजान भी हमारी ज़िंदगी का हकदार हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी का भी हकदार कोई और है तो मुस्कुराते हुए सुनिए अगला गाना, शबाना आज़मी जी की फिल्म लहू के दो रंग से मुस्कुराता हुआ गुनगुनाता हुआ मेरा यार। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, बालों को बोलो ना 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 करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, जानो ना इतना सा कहना है मानो ना मानो ना, हाँ बाबा, हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार Thank you.
चुपके से बाहों में आ जाना मेरी जा अब तो ना शर्माना शर्माना जाजा जाजा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार जाजा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार गुल खिलाता हुआ मेरा मैना की कहानी होता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई हो तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई अब है सबके लबों पर ये ताजा खबर एक लड़की दीवानी हो गई उससे मिलके जिंदगानी जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई तुझसे मिलके जिंदगानी हाय कितनी सुहानी हो गई मिलते ही नजर हुआ ऐसा असर मैं फकीर की रानी हो गई तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई कहीं कोई न था दूर दूर तक हम जिसको हमारा कहते तू ना मिलता है सोनी राह पर पिया हम बेसहारा रहते पिया हम बेसहारा रहते ऐ मेरे सफर चाहने वालों पर ऐ मेरे हम सफर चाहने वालों पर वक्त की मेहरबानी हो गई तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई ओ तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई तेरा मुखड़ा है सामने मेरे मुझे मन...
मतलब नहीं है चमन से, मुझे मतलब नहीं है चमन से। एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी डगर एक अपना नगर, एक अपनी कहानी हो गई। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइए। डू लाइक एंड शेयर दिस एपिसोड और सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।